एकदम चौक। सेकेंड ईयर कल क्या करवाया गया था आपने क्लास में? डाइजेस्टिव सिस्टम कराया जा रहा था मैम, उसमें प्लीज डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने कल आप लोगों को कुछ बातें बताई थी। क्या बताया था? बिल्कुल सही बात है, कल आप लोगों को एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया गया था। हमारी एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? पीछे से एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल नहीं जानते आप? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा ना अपने, बचपन से पढ़ाते हैं हम, है ना? तो उसमें एलिमेंट्री कैनाल पढ़ाई जाती है ना पूरी। क्या होती है? बिल्कुल सही बात है, यानी कि माउथ से लेकर एनस तक के जितने भी आपकी पूरी कैनाल आती है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल। याद आया ना, जिसमें कल मैंने कुछ पार्ट्स भी लिखवाए थे सभी, राइट? जिसमें फर्स्ट पार्ट था हम लोगों का माउथ। अब चूंकि माउथ के बारे में कुछ बताने के लिए था नहीं, तो आफ्टर दैट हमने क्या स्टार्ट किया था? अपना बक्कोफेरेंजियल कैविटी। ठीक है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, ये क्या होती है? बक्कल कैविटी बोला जाता है ना इसे। अगर आप मुंह खोलते हो तो कैविटी दिखती है हम लोगों को, हम उसको क्या बोलते हैं? बिल्कुल बक्कल कैविटी होती है, लेकिन नीचे की तरफ ना फेरिंग्स होता है ना? लेकिन किसी किसी बुक में आपको बक्कल कैविटी फेरिंग्स अलग अलग देखने के लिए मिलेगी, अदरवाइज किसी किसी बुक में एक ही टर्म देखने को मिलेगा, दैट इज अ फेरिंजियल कैविटी। कैविटी की बात अगर करते हैं हम, तो उसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है? एक तो आपके टीथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या चीज होती है? टीथ होते हैं इसमें। टीथ क्या काम करते हैं आपका? मैस्टिकेशन का काम करते हैं। ठीक है, मैस्टिकेशन मतलब जो आपका फूड स्टफ होता है उसको चबाने का काम करते हैं। ठीक है, तो मैस्टिकेशन जो है प्रोसेस, ये एक तरीके से मैकेनिकल प्रोसेस है इसकी। टीथ की कैसी है? ये मैकेनिकल प्रोसेस होती है। अगर हम लोग बात करें हमारे सलाइवा की, ठीक है, सलाइवा में क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स जो हैं वो हमें किससे मिलते हैं? एंजाइम से मिलते हैं, हमें सलाइवा से ही मिलते हैं देखा जाए तो, am I right? तो यहाँ पे एंजाइम्स जो हैं वो एक तरीके से केमिकल प्रोसेस करते हैं हमारे फूड स्टफ पर, राइट? ठीक है, अच्छा एक खास बात और बताइएगा आप मुझे। मैंने आप लोगों को कल टाइप्स ऑफ फूड पढ़ाया था, कल बताया था ना, टाइप्स कराया था कि नहीं कराया था कल आप लोगों को? डाइजेशन के, डाइजेशन चल रहा है ना, टाइप्स ऑफ डाइजेशन वही पूछ रहा है ना। तो अगर हम लोग बात करें हमारे टाइप्स की, तो कितने टाइप्स के बताए थे? टू टाइप्स के बताए थे, है ना? तो हम ये किससे स्टडी कर रहे हैं? कॉपी ना टर्न हो किसी की भी, इंटरेस्ट इंटरसेल्यूलर में या फिर इंट्रासेल्यूलर में? इंटरसेल्यूलर में। और हम क्या, किस नाम से और जानते हैं इंटरसेल्यूलर को? हम एक्स्ट्रासेल्यूलर, है ना? तो हम इसको किस में स्टडी कर रहे हैं? एक्स्ट्रासेल्यूलर में स्टडी कर रहे हैं। ठीक, चलिए यहां तक तो बात क्लियर हुई होगी। ठीक, एंजाइम्स हमें किससे मिले हैं? हमारे सलाइवा से मिले हैं। ठीक है, अब सलाइवा जो है वो कहां से निकलता है, कहां से सीक्रेट होता है? सलाइवरी ग्लैंड से होता है। सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में कल भी हम लोगों ने बात की थी, कितनी होती है टोटल? हाँ, अगर ह्यूमन की बात करते हैं तो, बट हम लोग को यहाँ पे एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग मोस्टली ऑल वर्टिब्रेट्स के बारे में हम लोग बात करें, मैमल्स के बारे में बात करें, तो कितने होते हैं इसमें? फोर पेयर्स होते हैं। ठीक है ना, अच्छा यहाँ तक आप लोगों को लिखना है उसके अंदर लिखिए, वरना फिर हम सीधे आप सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में बात करें। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए, तो मोस्टली कल लिखवाया तो नहीं था, लिख लीजिए।
फर्स्ट फैरिंग लिख लीजिएगा, पक्को फैरिंजियल कैविटी, आफ्टर दैट स्टार्ट कीजिए अपना ये। हो गया? अच्छा, एक मुझे क्वेश्चन का और जवाब दीजिएगा। अगर हम लोग बात करें नॉर्मली ह्यूमन में, हम लोगों में कितना सलाइवा हम लोग सीक्रेट करते हैं, कितना अप्रोक्स? वही अप्रोक्स, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल परफेक्टली आंसर दिया ऐसे। हम लोग जनरली बात करें अगर नॉर्मली, तो हम 0.5 to 1.5 यूनिट, बताइए इतना करते हैं ना हम लोग। अच्छा बताएं जरा, क्या मैंने ये सही लिखा है? है जी, कोई पूछ रही हूँ, क्या मैंने ये जो लाइन लिखी है इसमें कोई भी गलती है? कोई भी ML, ML में क्या गलती होगी भाई? बिल्कुल सही बात, हम लोग यहाँ पर मिलीलीटर नहीं, मिलीलीटर बहुत कम हो गया, बहुत कम, हम लोग यहाँ पर 0.5 to 1.5 लीटर सलाइवा जो है वो सीक्रेट करते हैं एक दिन में। समझ में आया? ठीक, अच्छा इसे नोट डाउन किया है ना, हेडिंग लिख लीजिएगा सलाइवरी ग्लैंड्स। समझा दिया जाएगा, फिलहाल आप बना लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, ड्रॉ करना है आपको, साथ के साथ कर लीजिएगा, टाइम वेस्ट ना हो जिससे मेरा।
हो गया ना। हो गया। हो गया। हाँ भी सेकंड, मैंने आप लोगों को कल अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, कितने होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड हमारे पास? फोर पेयर्स होते हैं, ठीक है। फोर पेयर्स में से फर्स्ट होता है हमारा कौन सा, जो मैंने कल भी बताया था, सोचे सोचे, जो ह्यूमन में नहीं होता। इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड, ठीक है। अब नाम से पता चल रहा है ऑर्बिटल, ये कहाँ प्रेजेंट होगा? हमारी आई क्वार्टर जो होती है ना, ये है ना आई ऑर्बिट जो होती है, इसके नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है, लेकिन ह्यूमन में नहीं होता है। मैंने कल भी बताया था, ये किसमें प्रेजेंट होता है? इन कैट्स, ठीक है। तो बिल्लियों में कहाँ होगा? ये जो उनकी आई क्वार्टर होती है, ठीक है ना, आई ऑर्बिट के नीचे की तरफ होगी, और इसमें से एक नर्व निकलती है, जो कहाँ जाकर खुलेगी? ये जाकर खुलती है इनके मोलर्स में, ठीक है ना। ये जो ऊपर की तरफ इनके मोलर होते हैं, भाई मोलर कौन से हैं? इससे पीछे वाले होते हैं, उसके आगे वाले होते हैं? सबसे पीछे वाले, क्योंकि उससे पहले वाले प्री मोलर्स होते हैं हमारे, है ना। तो मोलर्स की तरफ जाकर खुलती है इनकी तरफ, क्लियर है। लेकिन ये ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते, ह्यूमंस में क्या होते हैं? ये एब्सेंट होते हैं। कोई बात क्लियर होगी, छोटी सी बात है। सेकेंड होती है हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड, कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होगी? ये एक्सटर्नल ईयर के नीचे, इस जगह, ठीक है, यहाँ एक्सटर्नल ईयर के नीचे होती है, ठीक। अब देखिए, इसमें से पैरोटिड ग्लैंड के अलावा यहाँ पर इसकी एक एसेसरी पार्ट भी दे रखा है, समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पैरोटिड ग्लैंड तो है ही, इसके साथ साथ यहाँ पर एसेसरी पार्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड भी है, जिसका काम क्या है? वही है सीक्रेशन ऑफ सलाइवा, लेकिन ये थोड़ा कम अमाउंट में करता है, ठीक। इससे निकलने वाली डक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, बताएं जरा, डक्ट ऑफ स्टेंसन, ठीक है ना, या स्टेंसन डक्ट। ये स्टेंसन डक्ट जो है, ये आपकी, मैंने कहाँ बताया, एक्सटर्नल ईयर के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है, और जाकर कहाँ खुलती है? ये खुलेगी आपकी,
ये जो ऊपर वाले इंसीजर होते हैं, इंसीजर ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों तरफ के होते हैं ना इंसीजर, तो ऊपर वाले जो इंसीजर होते हैं वहां पर जाकर खुलती है ये इंस्टेंसल, ठीक है ना? कोई दिक्कत? स्टेंसल डक्ट बोले इसको या डक्ट ऑफ स्टेंसल, बात एक ही है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अपने थर्ड की, तो दैट इज अ सब मैंडिबुलर ग्लैंड। किसी किसी बुक में जरूरी नहीं है सब मैंडिबुलर ग्लैंड के नाम से ही दिया हुआ हो सकता है किसी किसी बुक में ये मैक्सिलरी ग्लैंड के नाम से भी हुई हो। क्लियर है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे ये पीछे की तरफ जो जो होता है ना इसके यहाँ इस तरफ प्रेजेंट होगी, पीछे की तरफ, ठीक है। और इससे भी एक डक्ट निकलती है जिसे हम बोलते हैं वॉटसन डक्ट, लिखा होगा देखिए ये ना, डक्ट ऑफ वॉटसन दिख रहा है। ये डक्ट भी जाकर कहाँ खुलेगी? नीचे वाले इंसीजर की तरफ, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये दोनों डक्ट जो है, एक तो स्टेंसन डक्ट या फिर डक्ट ऑफ वॉटसन, ये दोनों ही डक्ट इंसीजर में ही जाकर खुलती है। लेकिन कहां पर दिक्कत होती है? एक खुलेगी इसके ऊपर वाले हमारे जॉ में जो रहते हैं इंसीजर, और डक्ट ऑफ वॉटसन कहां खुलती है? नीचे वाले इंसीजर की। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें अपने फोर्थ पैरासलाइवरी ग्लैंड की, दैट इज अ सबलिंगुअल ग्लैंड। ये रहा आपका फोर्थ टाइप की सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। सब लिंगुअल, जहां भी आप ये टर्म देखें लिंगुअल, आपको ये चीज रेफर करेगी टंग से रिलेटेड है ये, ठीक है। किससे रिलेटेड होती है? टंग से रिलेटेड, क्योंकि जहां भी आप ये टर्म देखेंगे लिंगुअल, वो हमेशा आपको याद होना चाहिए ये टर्म आपको टंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दी। तो सब लिंगुअल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी टंग के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। इससे डक्ट तो नहीं निकलती, पर हाँ छोटी छोटी नर्व्स निकलती है ये, ठीक है ना, जो डायरेक्ट हमारे छोटे छोटे उसमें प्रेजेंट रहती है, ठीक है ना। इससे डायरेक्ट ही सलाइवा सीक्रेट होता है हमारी फूड स्ट्रक्चर में। क्लियर है? तो इस तरह से हमारे बॉडी में कितने रहते हैं? ह्यूमंस में अगर बात करें तो 3 पेयर्स होती है, मैंने ह्यूमन बॉडी बनाया है, ठीक है ना। क्या है ये? ह्यूमन फेस जो है ये वो शो किया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें सभी मैमल्स की, तो मैमल्स में 4 टाइप्स की रहती है सलाइवरी ग्लैंड, लेकिन ह्यूमंस में सिर्फ 3 टाइप्स की होती है। ह्यूमंस में कौन सी होंगी? पैरेटेड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। कोई परेशानी? क्लियर है? ये याद रखिएगा क्लास, इस चीज को टिप पर रख लेना आप। क्लियर है कि हम लोगों में कौन सी होती है? आप एक बार को सर ये इंट्रा ऑर्बिटल ग्लैंड भूल भी जाएंगे ना वो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये ह्यूमंस में तो होती नहीं है। समझे, वाइवा में कभी कोई पूछेगा तो ये 3 ग्लैंड आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक। आपने इस पर नंबर नंबरिंग कर दी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड? बिल्कुल सर, इसी तरह से लिखते
कल एक्चुअली की ठीक है एंट्रेंस एग्जाम हो भी है गेट वाला ऑप्शन भी हो गया क्लास आप लोगों को कुछ चीज याद करने वाली चीज है, ठीक है। एक तो इसका टोटल अमाउंट याद रखिएगा, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना होता है, पीएच याद रखिएगा, वाटर तो नॉर्मल सी चीज है, खैर इनऑर्गेनिक को अगर आप एक बार को छोड़ भी देंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। ऑर्गेनिक सॉल्ट जो होते हैं, यस, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। जैसे हमारे सलाइवा में क्या प्रेजेंट रहता है, टाइलेन, है ना। टाइलेन क्या काम करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। उसमें भी अब सलाइवरी अमाइलेज भी एक तरह का एंजाइम ही है, ठीक। माल्टेज, माल्टेज क्या होता है, माल्टेज भी तरीके का आपका एंजाइम है। माल्टेज एंजाइम जो क्या काम करता है, टाइलिन ने जो माल्टोज बनाया होता है उस माल्टोज को माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से माल्टेज भी आपका एक एंजाइम है। और लाइसोजाइम, लाइसोजाइम तो हालांकि हम लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले इम्यूनोलॉजी में भी पढ़ा था ना लाइसोजाइम। किसने पढ़ा था इम्यूनिटी के, क्या पढ़ाया था उसने, उस वक्त आप लोगों को बैरियर्स पढ़ाए गए थे, बैरियर्स पढ़ाए थे जिसमें लाइसोजाइम पढ़ाया गया था, याद आया। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में पढ़ाया था, और जिसमें मैंने क्या कहा था, लाइसोजाइम किस में प्रेजेंट होता है, हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होता है, स्वेट में प्रेजेंट होता है, पढ़ाया था आंसुओं में प्रेजेंट होता है, टीयर्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही चीज है, देखिए लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम की प्रेजेंस की वजह से ही ये जो सलाइवा होता है वो थोड़ा सा हल्का सा कैसा हो जाता है, एसिटिक नेचर का हो जाता है, जिससे हमारे मुंह में से बैक्टीरिया होते हैं हार्मफुल, उनको लाइसोजाइम जो है इजीली मार सके। समझ में आया। तो इस तरीके से ये हमारा एक क्या काम कर रहा था, बैरियर की तरह काम कर रहा था, एम आई राइट। ये हमने इम्यूनोलॉजी में उस दिन पढ़ा था। चलिए ठीक भाई, फंक्शन ऑफ सलाइवा, सलाइवा का फंक्शन क्या होता है, लिख पहले ले आप, लिखने के लिए मैं टाइम देती हूँ। बिल्कुल, एक तो ये लुब्रिकेंट का काम करता है, ठीक है, हमारे फूड स्टफ को थोड़ा मॉइस्ट बना के रखता है, ठीक है ना। ये मॉइस्ट बना के रखता है, साथ में ये हमें क्या चीज प्रोवाइड कराता है कि हमें प्यास लगती है, ये थोड़ा वाटर बैलेंस को भी बना के रखता है। वाटर बैलेंस बना के रखता है कि नहीं, कैसे। तो वाटर बैलेंस कैसे बना के, वाटर जाहिर सी बात है, देखिए जब आप बहुत देर तक पानी नहीं पीते हैं तो सलाइवा उतना ही कम आने लगता है हमारे लिए, है ना। कहते हैं ना मुंह सूख रहा है थोड़ा पानी ले आओ, है ना। तो जब हमारा मुंह सूखने लगता है तो हमारी जो इंद्रियां हैं, ठीक है, हमारे ब्रेन तक एक मैसेज जाता है कि हमें प्यास लग रही है, तो उस वक्त हमें पानी पीना पड़ता है। कब, जब हमें सलाइवा की कमी हो जाती है उस वक्त हम पानी पीते हैं। ऐसे नहीं पानी पीते हैं, चलो ठीक है बैठे हुए लाओ पानी लिया, ऐसे हम कभी पानी नहीं पीते। जब प्यास लगती है हम पानी तभी पीते हैं। हमें रियलाइज कब होता है प्यास लग रही है, जब हमें सलाइवा का सिक्रेशन थोड़ा कम होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है।
तो इस तरह से ये एक वाटर बैलेंस का भी काम करता है सलाइवा। अच्छा, और क्या काम करता है? आप लोगों ने देखा होगा बहुत से एनिमल्स में ये एक बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करने का काम करता है ना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है ना ये, किसमें? फिर बहुत जल्दी हो जाता है। हाँ, बट कैसे, मेरी इस बात को प्रूव कैसे करेंगे आप लोग? आप लोगों ने पता है अपने जिंदगी में बहुत सारी जैसे देखी होंगी, बताया भी एग्जांपल तो भैंस का बताया, वेरी नाइस। देखिए, अगर हम लोग बात करें बॉडी टेम्परेचर को, हाँ, आप लोगों ने एक बात ध्यान दिया, जो कुत्ते होते हैं जब वो गर्मियों में बैठते हैं अपनी जीभ बाहर निकाल कर बैठते हैं, उसके मुंह से सलाइवा निकलता है। क्यों? क्योंकि सलाइवा के माध्यम से, ठीक है, इसी के थ्रू बॉडी की ज्यादा से ज्यादा जो गर्मी होती है, ठीक है, वो बाहर निकलती है ना। इसलिए कहते हैं ना ये गर्मी में बैठता है, सर्दियों में कभी नहीं बैठता, वो इसे नहीं खोल कर गर्मियों में क्यों बैठता है? जिससे उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे, ठीक है। चलिए आप लोग